तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक और रिएक्शन वीडियो पर देने लगा हूँ रिएक्शन। और ये रिएक्शन वीडियो भी पंजाब रियल टीवी की ही है, जिसके अंदर इन्होंने लाहौर जलसे के अंदर इमरान खान का जो लाहौर मनाड़े पाकिस्तान जलसा हुआ है, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया। तो हम देखते हैं कि क्या कोई राय का इजहार सही किया है, कोई बात इस तरह की जो पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़, या कोई ऐसी बात जिसके अंदर कोई मिस्टेक या उनकी कोई गलती। तो और बाद में उनके ही सेक्शन के नीचे लोगों ने कैसे कैसे कमेंट्स किए हुए हैं, तो वो भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, पर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें। चलो दोस्तों, चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे माँ बाप ज़्यादा इकट्ठा है। हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ से शुरू हो चुकी है इमरान खान साहब का। सुनने में आ रहा है कि बहुत 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 ही कमाल का, जो जिसे कहते हैं ना, बहुत ही कमाल की थी, जोश वाली तकरीर थी उनकी, और वो बहुत अच्छी थी। चलो देखते हैं ये तकरीर में निकाल के, पूरा तो नहीं है, एक छोटा सा कहते हैं मरकज ही ख्याल ही होगा उसका, छोटी सी बस बना कर उन्होंने दिखाई होगी। चलो देखते हैं कैसी है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, जो आदि हुए हुए थे, पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे। अच्छा, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे। मेरे वालों तुहानू सारियां प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करदा हां तुसीं सारे जणे बहुत ज़्यादा घेंट होवोगे। अज की जिहड़ी वीडियो उहदे विच आपां देखणा इमरान खान की जो स्पीच पीटीआई जलसा लाहौर दे विच, जिहड़ा कि एक हिस्टोरिकल जो जलसा रह चुक्या है, बहुत ज़्यादा इकट्ठ होया उते। वह एक स्पीच देखनी है, आपां बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी सीधा वीडियो शुरू करांगे। बस चैनल सबसक्राइब कर लो अपना जल्दी तो जल्दी, हुणे डू सब्सक्राइब, आ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। नामंजूर.com अच्छा वेबसाइट भी बन गई है। और मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। ठीक है। ओए होए होए, वाह जी वाह, क्या कट है, नजारे बनते हैं। मुझे लाइटा लाइटा ही अभी हैं। आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान दी पीएम नु, पाकिस्तान दी जनता ते पूरा भरोसा है। मैंने कभी इतने बड़े जल के सामने खिताब नहीं किया। ओह, आप सबका शुक्रिया। क्या बात है, माशाल्लाह। लेकिन देखा जाए तो इमरान खान ने जो पहले मनाड़े पाकिस्तान में शो किया था, उसके अंदर भी बहुत बंदा आया था और उन्होंने जलसे से खिताब किया था। तो अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे कि मैंने इतने बड़े जलसे के अंदर कभी खिताब नहीं किया, लेकिन माना जाता है कि तब भी बहुत बंदा आया था। लेकिन क्या पता इस पर उससे भी ज़्यादा बंदा आया हो मनाड़े पाकिस्तान, और बहुत से लोगों को तो मनाड़े पाकिस्तान जाने भी नहीं दिया गया, क्योंकि दाता दरबार बंद कर दिया गया था। दाता दरबार के बाहर रोड लेन बंद कर दी गई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे। चलो देखते हैं दोस्तों आगे से वीडियो कैसे होने वाली है। अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ, बहुत सपोर्ट है भाई, कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है। सही है भाई, पॉलिटिक्स जिवें मर्जी होए, पर जदों बंदा अल्लाह नूं अगे लियांदा ना, इट मीन कि यार ठीक है, बंदे नूं कदर आ। जे वो इत्थे भी हुण कही जावे कि मैं ही हां, मेरे करके आया सारा कट, मेरे करके है ना, तां वो फिर डलावां डोल कम हो जांदा। पर कट बहुत होया इधरों, जिहड़े कई यात्री अपने उधर गुरद्वारा साहब के दर्शन करन गए है। मैं दो तीन सिख भी देखे जिहड़े जलसे विच भी चल गए इमरान खान की सपोर्ट करन नूं। मैं कहा भाई ठीक है, फिर सही है कम। और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर में इधर पासी मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। अच्छा। और मुझे बचपन से एहसास था, ये आपने आज गौर से बातें सुनी। सामने प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, वो नीचे देख सकते हैं, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं, वो देख नहीं सकते, बैठ जाएं प्लीज। देखें, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। उस साइड से बढ़िया लाइटा दिखा रहे हैं, बार बार लोगों को बताता हूं, दिखा रहे हैं कि बहुत घंट है। ये मेरे माँ बाप कितना ज्यादा इकट्ठा है। एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, 10 लाख के करीब होंगे लोग के,
कि ज्यादा कहता पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट के ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तान सही है जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, वैसे देखा जाए तो इमरान खान साहब बात बहुत अच्छी करते हैं, जो बाहर हैं बाहर भी है। मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी मैं फिर से क्या बात है भाई, होर्डिंग भी फुल हो रही है उधरों प्रॉपर। आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, अच्छा इन्होंने आज एक ह्यूज अनाउंसमेंट की थी, पूरी वीडियो देखो बिल्कुल एंड तक, ठीक है, क्योंकि मैंने आज आपको लायमल देना, स्किप नहीं करनी की तभी कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है, जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है, ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत, जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के जमीन खरीद के, नहीं इतना कर भी क्यों सकते हैं यार, हम कैसे गलती हरानी है, जो साम्राज्य उनकी जूते जो पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसलत की गई है। तो मैं आज आपको लायमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा, मैं गुलामों को और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। और मैं अभी आपको लायमल देता हूं, लेकिन उससे पहले ये साजिश क्यों हुई मेरे लाहौर के लोगों, जरा थोड़ा सा सबर से सुने, ये साजिश हुई क्यों। सही है, आपने भी बताना चाहिए। मैं जब से वज़ीर आज़म बना मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं, मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हों। बहुत कट है, मैं तो वीडियो देखता जो आदि हुए हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, अच्छा एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये भी फैसला किया जब जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशंस में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को ये तकलीफ देते थे, वो भी पसंद नहीं आई। ये भी एक रीजन है, मैं भी सुना है, बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी मैं वीडियो से खामोश होकर सुन रहा हूँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है इस वक्त, मुसलमान ममालिक से मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किस में फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था, हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, हुक्म पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी चाइना से रशिया से मुसलमान ममालिक से
मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किस में फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। ये मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखे कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का, वैसे ये चीज तो है कि अगर आप महंगाई कम कर सकते थे तो जब आप इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 साल रहे तो उस वक्त महंगाई कम क्यों नहीं की। ये बात एक हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं इमरान खान साहब से। अब कहते हैं मैं महंगाई कम कर सकता था, कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी, मतलब अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ। लेकिन बाकी जो उनकी स्पीच है बहुत कमाल जा रही है अभी तक। करीबी अलाई है, स्ट्रेटेजिक अलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से, उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए, ये भी पसंद नहीं आई बात। चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें, ये साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों। मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों की हुकूमत सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई जाति मफादात के लिए, और मीर सादिक वो था निजाम हैदराबाद के साथ मिलके अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। अच्छा भाई, ये गल्लां इन्होंने सही कही, जिहड़े इन्होंने 2-3 आपां नूं रीजन दित्ते आ वो वैलिड रीजन भी है। कई जने मैनू भी कमेंट करके कह रहे थे कि भाजी जिहड़ी इमरान खान ने गल की आ कि जिहड़ा अमेरिका का दबदबा बनिया कि अमेरिका की साजिश हुई है वो जद्दोजहद के नाल जिहड़ी इन्हां दी सरकार गिराई गई है। मैनू कमेंट्स आ रहे थे कि इमरान खान ने प्रूफ नहीं कर पाया, कोई सबूत नहीं है, कोई सॉलिड कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन पर जेकर कोई एडा वड्डा पॉलिटिक, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो यहाँ पे बता नहीं सके, मतलब प्रूफ नहीं दे सके, बस एक ख़त ऐसे करते रहते हैं और वो ख़त भी नहीं दिखाया उन्होंने कि कौन सा वो ख़त था, उसके अंदर लिखा क्या था, प्रूफ नहीं दे सके। और मुझे कुछ इतना पता नहीं है, ज़्यादातर मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कम ही पता होता है। तो चलो दोस्तों, अब इन्हीं की वीडियो के नीचे जो लोगों ने कमेंट्स किए हम उनको पढ़ते हैं, और लोगों ने अपनी कमेंट्स में क्या राय दी है हम वो भी देखते हैं। चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। हाँ तो दोस्तों इस वक्त हम रियल पंजाब टीवी, पंजाब रियल टीवी के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आ चुके हैं। इसके अंदर पहला ही कमेंट जो 2 दिन पहले हुआ है वो यार विद इमरान खान टिल ओवर द लास्ट ब्रेथ, लोग कह मतलब स्पॉटिंग इमरान खान के साथ, बहुत है इमरान खान का ऑनेस्ट एंड द सेइंग द विद द ऑनेस्टी जिंदाबाद लाइन ऑफ द हार्ट इमरान खान, मतलब लोगों ने बहुत बहुत इमरान खान को ही सपोर्ट किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर डायरेक्शन फॉर लव इंडिया, लव फ्रॉम पाकिस्तान फॉर इंडियन पीपल्स, मतलब लोगों ने ये कमेंट्स भी, कमेंट्स के अंदर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और वही लोग जो होते हैं वो देते हैं। तो इसके अंदर दिया हुआ है इट वॉज द बिगेस्ट जलसा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मे बी इन द वर्ल्ड, यानी समझ आ गया होगा आपको कि ये जलसा जो है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जलसा है और हो सकता है कि ये दुनिया में भी सबसे बड़ा जलसा हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लोगों ने बहुत है लव फॉर यू व्यू
मे यू एंड योर वाइफ ऑलवेज बी ब्लेस्ड। लोगों ने इनके बारे में भी कमेंट किया, वो स्टार्टेड विद इमरान खान, मतलब लोग कह रहे हैं वो स्टैंड विद इमरान खान, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और जिंदाबाद, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स के अंदर हो जाते हैं, जिस तरह ये जिंदाबाद इमरान खान पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान आर्मी, मतलब वो स्टैंड विद इमरान खान, पीएम इमरान खान, मतलब इम्पोर्टेंट्स बहुत बहुत लोगों ने, बहुत बहुत अच्छे थैंक यू माशाल्लाह, लोगों ने बहुत ग्रेट रिएक्शन है, वी लव वो स्टैंड विद इमरान खान। तो दोस्तों ये थे कुछ जो तीन चार कमेंट्स इनके, मतलब जो मुझे अच्छे लगे, अच्छे नहीं मतलब जो टॉप्स के अंदर आ रहे थे, जल्दी जल्दी मैंने बस वही पढ़ दिए। तो लोग देखा जाए तो इमरान खान को अब इस वक्त तक सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं अब, हमें बेहतर नहीं पता, ये बेहतर तो अल्लाह जानता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।